25 जुलाई को मुंबई के नजदीक घाटकोपर में एक बड़ा हादसा हुआ। एक इमारत भरभरा के नीचे गिर गई जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। अब उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि इमारत गिरने से ठीक 5 मिनट पहले इस मामले का मुख्य आरोपी और शिवसेना से जुड़े सुनील शिताप अपनी कार में बैठ करके चले जाते हैं, इमारत से निकलते हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं। इसके ठीक बाद 5 मिनट बाद 10:24 पर इमारत गिर जाती है। हालांकि सीसीटीवी में इमारत गिरने का फुटेज नहीं, लेकिन इसके बाद उठे धूल के गुबार और लोगों की आपाधाबी की तस्वीरें जरूर सीसीटीवी में कैद हुई हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुनील, अब इस तस्वीर के साथ के बाद स्थिति कितनी बदलेगी, केस कितना बदलेगा? देखिए क्रांति, ये आरोप पहले से लगा था और बिल्डिंग के लोगों ने लगाया था कि सुनील शिताप जो है उसी ने जो उसका दल मंजिल और पहली मंजिल पर जो फ्लैट था, 3 फ्लैट को मकान को उसने अंदर से तोड़कर पहले तो नर्सिंग होम चला था, बाद में उसे गेस्ट हाउस में तब्दील करने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान उसने पिलर को के साथ छेड़छाड़ की थी, यही वजह था कि ये बिल्डिंग गिरने की वजह बताई गई थी। उसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और जो तस्वीर आई है उसमें भी साफ दिख रहा है कि किस तरह से वो उस दौरान उसी बिल्डिंग में मौजूद था। गिरने के ठीक 5 मिनट पहले वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दिख रहा है और निकलकर अपने कार में बैठकर जैसे जाता है उसके ठीक 5 मिनट बाद ये बिल्डिंग भरभराकर गिर जा रही है। हमें ये भी दिखाई पड़ रहा है कि लोगों को भी एहसास हुआ कि बिल्डिंग गिरने वाली है, इसलिए कुछ लोग उसमें से निकलकर भागते हुए भी दिख रहे हैं और बाद में एक दूसरे को बुलाते हुए भी दिख रहे हैं कि जल्दी से बाहर निकलो, देखो बिल्डिंग गिरने वाली है, और उसके बाद एक दूसरे को खींचकर बाहर भी ले जाते हुए दिख रहे हैं। तो साफ तौर पर जो भयानक हादसा जो हुआ था 25 जुलाई को, 4 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर अचानक से नीचे गिर गई थी। लगभग उसमें 35 से 40 लोग उसमें फंसे हुए थे। 17 लोग उनकी मौत हो चुकी है हादसे में, बाकी कई लोग गंभीर हैं। सब लोगों के छत उजड़ चुका है, कई लोगों का पूरा परिवार उजड़ चुका है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया है गैर यात्री हत्या का मामला, शिताब के खिलाफ उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ में एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई जो कि सुपरवाइजर है। बताया जा रहा है कि उसने ही राय दी थी या उसी के सुपरवाइजर में ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा था, लेकिन उसके बाद आगे की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि इस पूरे मामले में जो आरोप लगाया जा रहा था कि कुछ आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने की गलत रिपोर्ट दिया था कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, या फिर बिल्डिंग के जो बीएमसी के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे मामले में क्यों नहीं नजर रखी कि पूरे की पूरी बिल्डिंग के पिलर के साथ छेड़खानी की जा रही है, और उन्होंने उसको नजरअंदाज किया जिसकी वजह हुई जो इमारत है वो पूरे के पूरे गिर गई और इतने लोगों की मौत हो गई। जी, इससे पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो सवाल बीएमसी पर भी उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये उनकी नाक के नीचे ये काम चल रहा था और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया।